कोई जरूरत नहीं उसको नाश्ता देने की। What क्या? बेगम साहिबा, नाश्ता करने दें, बाद में गुस्सा कर लीजिएगा। सड़क पार करवा दे, इसी जगह खड़े होकर यही दुआ मांगती हूँ। अभी तो बिना दुआ मांगे सड़क पार करवा दे। ये जो मेरी करोड़ों की जायदाद है जो मैंने अपने बलबूते में बनाई है, मैं तुम जैसे निकम्मे और ना अहल शख्स के हाथों जाया नहीं होने दूंगा। ये डिनर खास हमारी फैमिली के लिए बना है, हम सब के लिए। सलीमा, वो भी हमारी ही फैमिली है। देर हो गई है, पता नहीं अम्मी कहाँ। ताबिंदा, अम्मी क्या हो गया आपको? क्या हुआ अम्मी, ये कैसे चल रही है आप? बेटे वो उस पैर फिसल गया था तो गिर गई थी। फिकर नहीं करो बेटे, ठीक हो। कैसे फिकर ना करूं अम्मी, चोट लगी आपको, किस तरह चल रही हैं आप? कितनी दफा आपको कहा है कि छोड़ दे वो नौकरी? छोटी नहीं हूं अब मैं, बड़ी हो गई हूँ मैं। अगर कोई छोटी मोटी नौकरी भी करूंगी ना तो हम दोनों का आराम से गुजारा हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो बेटे? मैंने सारी जिंदगी इसलिए मुसीबतें झेली हैं कि तुम्हें इस जहन्नुम में झोंक दूं। सीधी तरह अपनी पढ़ाई को। वो तो मैं कर लूंगी अम्मी, लेकिन आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। ठीक हूँ बेटे। अच्छा सुनो, कप चाय बना दो। मैं लाती हूँ, आप यहाँ लेटे। हाँ 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 बेटे, हाँ ठीक है, ये हटाओ। ध्यान से, मैं चाय ला रही हूँ आपके लिए। आज आपने अर्जुन को बहुत डांटा है, शिकायत कर रहा था कि आपने उसकी बड़ी क्लास ली। हाँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उस पर कोई असर हुआ होगा। क्या कर दिया उसने, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? माँ हो ना, इसलिए ऐसा सोचती हो। बाप की नजर से सोचो तो रात की नींदें उड़ जाएंगी। अर्जम, सलाम अलैकुम मामा। सलाम अलैकुम बाबा।
वालेकुम सलाम, अच्छे वक्त पे आ गए, खाना खा लो आप। उससे ये मत पूछो कि खाना खाओ, इससे ये पूछो कि बेटा आज जल्दी घर कैसे आ गए, क्योंकि इनकी घड़ी के हिसाब से तो 4-5 घंटे रहते हैं घर आने में। हाँ भाई, तो क्या सोचा तुमने अपने बारे में? खाना तो खा लेने दे दे, और अगर आज वो जल्दी आ ही गया है तो उसमें हर्ज क्या है? चला गया खाए बगैर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये एहसास दिलाना जरूरी है कि वो जो कुछ कर रहा है कितना गलत है। मिठाई खाए। ये किस लिए बेटे? मेरा रिजल्ट आया है आज, भूल गई आप? अरे हाँ, ये सब परेशानी की वजह से जहन से ही निकल गया। कैसा आया रिजल्ट? मिठाई लाई हूँ, इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट आई हूँ मैं। मुबारक हो, जीती रहो। वैसे अम्मी एक बात बताऊं आपको, आज मेरा भी एक्सीडेंट होते होते रह गया। हैं? कैसे बेटे? पता नहीं, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, एक तो मुझ पे गाड़ी चढ़ाने वाला था और फिर बदतमीजी करने लगा। ये बस में होता ना तो 2-4 लगा के सीधा कर देता। अरे बेटे, तुमने झगड़ा कर लिया उससे? झगड़ा नहीं किया मम्मी, लेकिन हाँ सुनाई जरूर थी मैं। दाबिंदा बेटे, कितनी बार कहा है लोगों से झगड़ा नहीं करते, जमाना ठीक नहीं है और इस तरह से बिला वजह झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं होता। किस किस्म की बातें करती हैं आप अम्मी, कोई मुझे सुनाए, मुझसे बदतमीजी करे और मैं उसको कुछ कहूं ही ना, बस खड़े होके देखती रहूं, ऐसा थोड़ी होता है। बेटे आओ नवीन, मिठाई खाओ। बेटे बहन को मिठाई दो। ये किस लिए? मेरी बेटी इम्तिहान में फर्स्ट आई है, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ बेटे? क्या हुआ, गले में फंस गए क्या? अपने रिजल्ट का नहीं पूछोगे? मैं अपना रिजल्ट खुद पता कर लूंगी, अम्मी बुला रही है, जल्दी चलो। जब ये लोग हमारी खुशी में खुशी नहीं होते तो आप इन्हें बताती क्यों है? बेटे खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है ना? अम्मी वो सिर्फ इस सूरत में कि अगला बंदा आपकी खुशी में खुश हो, और मैं कहीं नहीं जा रही। बेटे क्या पता कोई जरूरी काम हो, जाके देख लो। अम्मी आपका एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है आपको, इससे जरूरी इस पर क्या हो सकता है? और अब आपको मेरी पढ़ाई का ख्याल नहीं आया? इनका काम आता है ना, आप सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं बेटे,
मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी जाने को नहीं कहती। मतलब बख्तियार भाई इस तरह से देखेंगे मुझे तकलीफ में तो परेशान हो जाएंगे, और सलीमा भाभी तो बिला वजह ही नाराज होंगी। जाओ बेटे, देखा हो। अच्छा आप फिक्र मत करिए, ये चाय पी लीजिएगा, मैं जाती हूँ। अरे रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है, रिहान का छोटा भाई है ना इमरान। देखा भला है, नवीन की उम्र का है, काफी अच्छा लड़का है। बस नवीन इस बात को यहीं रोको, उधर ही खड़े रहे, और खबरदार अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो क्या करोगी? तो आप दूं, बोलो। अम्मी आपको तो बुखार हो रहा है। नहीं नहीं बेटे मैं ठीक हूँ, नाश्ता बना दो जाके। सलीमा भाभी आ जाएंगी ना शोर मचाते। जी जी मैं बख्तियार से बात करूंगी, आप उसे भिजवा दीजिएगा। जी अच्छा, सबको सलाम दीजिएगा, खुदा हाफिज़। अम्मी आप किससे बात कर रही थी? तुम्हारे अब्बू के दूर के रिश्तेदार की कॉल थी, अपने बेटे के काम के लिए कह रहे थे। अच्छा अम्मी, वैसे अब आपको नवीन के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, उसकी शादी की उम्र हो गई है। हाँ सोच तो रही हूँ, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिले ना। अरे रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है, रिहान का छोटा भाई है ना इमरान। देखा भला है, नवीन की उम्र का है, काफी अच्छा लड़का है। बस नवीन इस बात को यहीं रोको, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो कितना अच्छा है। और नवीन की शादी की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके माँ बाप अभी जिंदा। आपने बुलाया था? तो मैं बुलाने के लिए बुलावा भेजा करूं? कहो तो पालकी भेज दिया करूं, ऐसे तो तुम आओगी नहीं। जाके चाय बनाओ, बर्तन भी धो। मैं वैसे वो काफी बदल गया अब, आप एक दफा तो मैं समझ में नहीं आ रहा है ना। अम्मी आप मेरी बात तो सुने, रिहान भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हें क्या हुआ? मैं तो पानी पीने आया था, बहुत प्यास लग रही थी। प्यास बोले? रिहान भाई उधर ही खड़े रहे, और खबरदार अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो क्या करोगी? तो आप दूं, बोलो। मैं सबको यहाँ इकट्ठा करके आपकी असलियत बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि आपके इस चेहरे के पीछे कितना घिनौना और मक्कार इंसान छुपा है। ओ जाओ, सबको बता दो मेरी असलियत, सबको बता दो मेरे घिनौने चेहरे और मक्कार चेहरे की दास्तान। लेकिन कौन मानेगा, नमरीन, नवीन या फिर तुम माँ बेटी के सबसे ज्यादा हमदर्द बख्तियार अंकल? देखो हमारे घर की जो मासी है ना, वो काम छोड़ के जा रही है, उसकी शादी हो रही है ना, बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती। तुम तकरीबन यहाँ भी मासी हो, एक काम करो तुम दोनों हमारे घर अख्तियार अंकल से डबल सैलरी दो, और ज्यादा काम भी नहीं लूंगा। पहले खुद तनख्वाह कमाने के काबिल हो जाओ,
फिर दूसरों की तनख्वाह की फिक्र कर। और इस घर से तुम्हारी कितनी तनख्वाह जाती सब पता है मुझे। रेहान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी पीने आया था, साफ गिलास नहीं मिल रहा था तो खुद धो रहा था। आप तो धो रहे थे, ये बर्तन धो तो रही है, इसको बोल देते कि धो देती। इसने मना कर दिया, कह रही है खुद धो लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे शोहर को जवाब दिया, तुम खुद को समझती क्या हो क्या तुम? बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो, और तुम्हारी औकात इस घर में सिर्फ एक मासी के बराबर। चले रेहान आप मेरे साथ, अब ये ग्लास धोएगी भी और आपके लिए पानी भी लेते हैं। घटिया इंसान। साहब जी, ये लो रख लो। अरे रख लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं साहब जी, मुझे नहीं चाहिए। अरे रख लो, तुम नहीं हो इसलिए मैं खुद दे रहा हूं। अरे रख भी लो। शुक्रिया साहब कार किधर है यार? कब से तुझे कॉल कर रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अब यार सॉरी, बिजी था। अब बता क्या बात है यार? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है वकार, पता है? अभी घर आते ही पापा से मुलाकात हुई है मेरी, साथ ही शुरू हो गए। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहते क्या है। देर से आऊं तो प्रॉब्लम, जल्दी आऊं तो प्रॉब्लम। यार एक तो तू हर बात दिल पे ले लेता, अपने दिमाग पे सवार कर लेगा। इसलिए कहता हूं यार वकार, तुझे पता है मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे मशवरे ना दिया कर मुझे। भाई इंटरेस्ट पैदा कर, जिंदगी रंगीन हो जाएगी तेरी। तेरी रंगीन जिंदगी तुझे मुबारक। ओके बाय, सुबह बात करते हैं। अरे यार मुकद्दस, जी साहब जी, यार जरा पानी तो पिला लो। जी अभी लेकर आती हूँ। Thank you.
उठ जाए, नाश्ता कर ले। अम्मी आपको तो बुखार हो रहा है। नहीं नहीं बेटे मैं ठीक हूँ, नाश्ता बना दो जाके। सलीमा भाभी आ जाएंगी ना शोर मचाते, कॉलेज भी तो जाना। ये आपको इस हाल में भी उनके नाश्ते की पड़ी है? और आज मैं कॉलेज नहीं जाऊं, और आज आप भी कहीं नहीं जाएंगी, रेस्ट करेंगी। अच्छा इसके बारे में बाद में बात करें, बेटे जाओ नाश्ता बना दो, सब लोग उठ गए होंगे। एक शर्त पे जाऊंगी, अगर आप ये नाश्ता करेंगे आपको मेडिसिन भी लेंगे। ठीक। नवीन। जी अब्बा। तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना? रिजल्ट? अब्बा वो तो अभी तक आया नहीं। पेपर्स ठीक हुए थे ना? पास हो जाओगी? जी वो तो बहुत अच्छे हो गए। बेटा मेरी ख्वाहिश है कि ताबिंदा के साथ तुम्हें भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए, इसलिए तुम्हें कम से कम इतनी परसेंटेज लेके आनी है जो तुम्हें मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सके। बख्तियार मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा, पढ़ाई कैसी जा रही है? जी बहुत अच्छी अंकल। मेडिकल कॉलेज में दाखिला तो मिल जाएगा ना? जी इंशाल्लाह। अच्छा रिजल्ट कब आ रहा है? रिजल्ट तो आ गया अंकल। तो इसका मतलब इसने तुम्हें जानबूझकर गलत पेपर दिया। अपनी औकात दिखाए बगैर रह थोड़ी सकती है ये। बचपन से मैं इसे जानती हूँ, बहुत ही तेज तर्रार लड़की है। लेकिन आज आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगी आपकी जगह काम। मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को सबक सिखाने आई हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? क्या कर रही हो? अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई? ओ!